हेलो दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया। तो दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और गर्मियां बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। टेम्परेचर आसमान को छूने जा रहा है। अगर आप भी इस बीच इस गर्मी एसी खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरी देख कर जाइएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप बहुत ही अच्छा पार्ट खो देंगे। गर्मियों के मौसम में घरों, कमरों, दुकानों पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इसी गर्मी से बचने के लिए लोग अपने घरों पर पंखा, कूलर, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं और अपने घरों पर गर्मियों से बचने के लिए व सुकून से सोने व गर्मियों से राहत पाने के लिए कई लोग तो एयर कंडीशनर यानी एसी का इस्तेमाल करते हैं, एसी का यूज़ करते हैं। कुछ लोग तो अपने घरों पर बेहतर जीवन स्तर दिखाने के लिए भी एसी लगवाते हैं। क्या आप जानते हैं कि एसी में टन का क्या मतलब होता है? हमें कितने टन का एसी लेना चाहिए? हमारे कमरे के लिए, हमारे रूम के लिए कितने टन का एसी परफेक्ट रहेगा, सही रहेगा? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को पूरा देखे बिना बिल्कुल भी मत जाना। एसी में एक टन या फिर दो टन का क्या मतलब होता है, अगर आपको नहीं है पता तो हम आपको बताते हैं। क्या आपको भी अपने घर या कमरे के लिए एसी लगवाना है तो हम आपको बताएंगे कि आपके कमरे या घर के लिए कितने टन का एसी फ़ायदेमंद रहेगा और कितने टन का एसी लगवाना चाहिए। गर्मी के मौसम में एसी खरीदते वक्त लोग टन में विशेष ख्याल रखते हैं। एक टन से लेकर के पाँच टन और उससे अधिक की एसी लोग अपने घरों पर आवश्यकता अनुसार लगवाते हैं। तो आपको कौन सा, कितने टन का कौन सा एसी लगवाना चाहिए अपने घर पर जो कि प्रॉपर कूल दे? तो दोस्तों, एक टन एसी का मतलब यह नहीं होता कि उसका वज़न एक टन या 1000 किलोग्राम होता है, यह बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे तो एक टन एसी का वज़न एक टन हो जाएगा और दो टन एसी का वज़न दो टन, फिर उसको उठाने के लिए क्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, यह बिल्कुल भी नहीं होता। एक टन एसी का मतलब होता है कि 1000 किलोग्राम, मतलब एक टन या 1000 किलोग्राम बर्फ जितना वो ठंडा करेगी, प्रॉपर कमरे को प्रॉपर ठंडा करेगी, उसी के बराबर काम करता है। यहाँ पर ठंडा करने से यह मतलब नहीं कि बर्फ जमा देगा, जहाँ पर जैसे बर्फ़ का यूज़ किया मैंने शब्द का, यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो बर्फ़ जमा देगा। एक टन बर्फ जितने एरिया पर कवर होती है, जितने स्क्वायर फीट पर एक टन बर्फ रखी जाती है, उतने ही एरिया को एक टन का एसी ठंडा करेगा, प्रॉपर मेंटेन करके रखेगा टेम्परेचर को। एक्सपर्ट की माने तो 10×50 स्क्वायर यानी 150 स्क्वायर फीट में कमरे के लिए एक टन का एसी परफेक्ट होता है। मतलब अगर आपका कमरा 10×15 का है यानी 150 स्क्वायर फीट है तो एक टन का एसी परफेक्ट कूलिंग करेगा। यहीं जब एरिया अगर 150 स्क्वायर फीट से 250 स्क्वायर फीट के बीच होता है तो 1.5 टन का एसी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके कमरे का क्षेत्रफल 250 स्क्वायर फीट से 400 स्क्वायर फीट होता है तो 2 टन की एसी की आवश्यकता होती है। समझना बात को, गौर समझना, यहीं पे समझने वाली बात है। अगर आपको 150 स्क्वायर फीट में 2 टन का या 1.5 टन का एसी लगवाना तो बिल्कुल आप लगा सकते हो, आपके पास है तो आप लगा सकते हो, वरना 1 टन का जो एसी होता है प्रॉपर कूल करता है, प्रॉपर मेंटेन करता है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि अगर 250 से या 400 स्क्वायर फीट का अगर आपका रूम है, वहाँ पे 2 टन की एसी की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर आपने 1 या 1.5 टन का एसी ले लिया है, वहाँ पर लगा दिया, तो वहाँ पर कूलिंग जो है वो लेट आएगी, कूलिंग तो रहेगी पर लेट कूलिंग आएगी और कमरा बहुत कम ठंडा होगा। ठीक है, कमरा बहुत कम ठंडा होगा, कूलिंग आएगी पर लेट आएगी, कमरा बहुत कम ठंडा होगा। और भी अगर और भी ज़्यादा बड़ा आपका कमरा है, जैसा कि 400 से 600 स्क्वायर फीट का अगर आपके कमरे का क्षेत्रफल है, तो वहाँ पे 3 टन की एसी की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पर 3 टन का ही एसी लगेगा। आप 1.5-1.5 या 2-2 टन के दो एसी लगवा सकते हैं, लेकिन आपको एक एसी लगवाना पड़ेगा 3 टन का एसी। ठीक है, तो वो कमरा जो है आपका प्रॉपर ठंडक रहेगा, प्रॉपर ठंडा रहेगा, कूल रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।